कोई और नंबर नहीं है? एक ही नंबर दिया था। अरे क्या करूं अब मैं? आप आराम कीजिए, मुझे यकीन है कि हमारा रابطہ हो जाएगा, लेकिन आप पूरी रात से जाग रहे हैं, आपको अब थोड़ी नींद कर लेनी चाहिए। ऐसे हालात में नींद कैसे आएगी? फसीब, हमें पुलिस में सब बता देना चाहिए। पागल हो गई हो तुम? मामलत के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे वो। तो करने दे, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिस पे आप मुझ पे तरस खाए। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा, सोचने दो मुझे। बड़ी मुश्किल से मेरा घर जोड़ा है, अब मैं किसी को खोना नहीं चाहता। कल रात मैंने अपने रब से बड़ी आजिसी से दुआ की है, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो खुदा कोई ना कोई रास्ता निकाल देता है। हेलो, सलाम अलैकुम पप्पू, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मास, क्या हुआ, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? बस बेटा, ना पूछो तो अच्छा है। क्या बताऊं तुम्हें, मेरे घर को तो जैसे लग रहा है किसी की नजर ही लग गई है। एक मसला खत्म नहीं होता, दूसरा मसला आ जाता है। और सच पूछो तो जब अपने ही घर में दुश्मन मौजूद हो तो किसी गैर से गिला करने की कोई जरूरत नहीं। अरे अब आप सारी फिक्रें छोड़ दें, सब कुछ अच्छा होने वाला। अच्छा बेटा, लेकिन मुझे तो बताओ क्या बात है। देखें, मैं आपसे जो कुछ भी कहूंगा ना, गौर से सुनिएगा, और फसी अंकल से किसी बात का जिक्र मत कीजिएगा प्लीज, क्योंकि आपने बताया था कि उनको अचानक कोई भी खुशी या गम काफी क्रिटिकल कर सकता है। पप्पू, नूर का पता चल गया है और बहुत जल्द वो आप लोगों के दरमियान हो। क्या? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। आप मेरा यकीन कीजिए, मैं इस वक्त लाहौर में। पप्पू, मैं उसी सिलसिले में पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, जल्दी आपसे दोबारा बात कर। ओके, अल्लाह हाफिज़। मास, हेलो हेलो। पापा, क्या हुआ पुपी जान? क्या हुआ पापा? बस वो कहते हैं ना कि अल्लाह से सच्चे दिल से दुआ मांगो तो जरूर कबूल होती है। फसी, मुझे लग रहा है अल्लाह ने तुम्हारी सुन ली है। अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं, डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है, तुम्हें कोई भी खबर अचानक से नहीं देनी है। पापा, मैं इतना कमजोर नहीं हूँ, खुदा के वास्ते बता दें क्या हुआ है। वो मास का फोन था, वो कह रहा है वो लाहौर में है और हमारी नूर का पता चल गया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सच कह रही हैं? सच कह रही हूँ। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र बेटा, मैं अपने आप को कभी माफ ना कर पाती।